यह कहानी है एक रिक्शे वाले की। इस कहानी को भेजा है हमें विजय कुमार ने। दोस्तों, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, भ्रम डाकनी, डाइन, चुड़ैल, ये सारी कहानियाँ गांव में बनती है। गांव में कई सच्ची घटनाएं घटती है और गांव से होकर शहरों तक कई लोगों में खौफ पैदा कर देती है। रात सनसनी चीरती हुई कहानी। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें सुनाएं। अगर आपकी कहानी लोगों को पसंद आती है और लोग उस पर कॉमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो हम आपको एक गिफ्ट देंगे। कहानी आपकी सच्ची घटना पर आधारित होनी चाहिए। यह कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है एक रिक्शे वाले की। रिक्शा वाला जो रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए रिक्शा चलाया करता था। यह बहुत पुरानी बात है। उस समय में बिजली उतनी उपलब्ध नहीं थी और स्टेशनों पे लोग इक्के दुक्के रात को गुजरा करते थे। गांव का स्टेशन था, कम गाड़ियां आती थी तो लोग कम वहाँ वाहन आदि रखते थे। एक रिक्शा वाला रात के समय में वहाँ रहता था। बहुत बारिश हो रही थी, रात का समय था, खूब अंधेरा था, बारिश पड़ रही थी, जोरों से बिजली चमक रही थी। स्टेशन पर वह सो रहा था, तभी उसके कानों में एक औरत की मधुर आवाज़ सुनाई देती। क्या आप हमें हमारा घर छोड़ देंगे? रिक्शा वाला आँख खोल के देखता है, एक सुंदर सी औरत विवाहिता पूरे 16 सिंगार के साथ उसके सामने खड़ी रहती है, वह भी अकेली। वह सोचने लगता है कि इतनी रात को यह अकेली यहाँ क्या कर रही है। फिर भी औरत देख के उसने कहा, छोड़ तो दूंगा परंतु 300 रुपये लगेंगे, उससे कम में मैं नहीं जा सकता, रात का समय है, बहुत अंधेरा हो चुका है। औरत ने कहा, मैं आपको 300 नहीं 400 दूंगी, आप हमें हमारे घर पर छोड़ दें। रिक्शे वाले ने कहा, ठीक है, बैठ जाई। पैडल रिक्शा था, उसने रिक्शा चलाना चालू कर दिया। लगभग स्टेशन से 7 से 8 किलोमीटर जाने के बाद वो रिक्शा रोक देता है, गांव आ जाती, बोलता है, ठीक है, आप उतर जाइए, आपका घर आ गया है। मैडम ने अपने बैग से उसे 200 रुपया निकाल कर दे दी और कहा, मेरे पास 200 रुपये है, मैं घर से 200 रुपया और लेकर आ रही हूँ, आप मेरा इंतज़ार करें। रिक्शा वाला वहीं इंतज़ार करने लगा। जब आधे घंटे से ऊपर हो गया वह औरत लौट कर नहीं आई तो रिक्शा वाले को संदेह हुआ, वह उसके पीछे हो लिया। थोड़ा सा आगे जाकर जिस घर में वह घुसी थी उस दरवाजे को वह खटखटाने लगा। दरवाज़ा खोल कर एक बुजुर्ग बाहर निकला। रिक्शे वाले ने कहा कि एक मैडम अभी स्टेशन से यहाँ आई है, उनसे मुझे 200 रुपये लेने हैं। वह 200 रुपया कहकर गई कि मेरे पास 200 ही हैं, 200 रुपया मैं लेकर आती हूँ, लेकिन अभी तक वह आई नहीं, तो कृपया मुझे मेरा 200 रुपया दे दे। बूढ़े ने कहा, यहाँ कोई औरत नहीं रहती है। बोलता, नहीं, वो इसी घर में आई है। बोलता, कैसी थी वो, कैसी दिखती थी? उसने कहा, वह बहुत सुंदर थी और 16 सिंगार की हुई थी, लगता था जैसे नई नई शादी हुई। बूढ़े ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया और कहा, क्या यह वही लड़की है? उसने देखा, बोला, हाँ साहब, यह वही लड़की है, इसी ने मुझे 200 रुपये दिए हैं और 200 रुपये देने का वादा करके चली आई। बूढ़े ने कहा, ऐसा संभव नहीं है, इसे मरे हुए 5 साल गुजर चुके हैं, एक एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु हो चुकी है, आपको हार लटका हुआ नज़र नहीं आ रहा है? उस रिक्शे वाले का पूरा शरीर कांप गया, डर के मारे वह पसीने पसीने हो गया। तुरंत उसने अब देखा न तब और रिक्शे की तरफ हो लिया। रिक्शा पर जैसे आया उसने देखा वहाँ पे उसके 200 रुपये रखे हुए थे।
उसने वो 200 रुपये अपने जेब में डाले और वहाँ से भाग लिया। तब से उसने कान पकड़ ली कि आज के बाद रात में कभी रिक्शा नहीं चलाऊंगा। मित्रों, कहानी कैसी लगी आप एक बार अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास कोई कहानी है, अच्छी है, सत्य घटना पर आधारित है, तो आप हमें सुनाएं, हम औरों को सुनाएंगे। अगर आपकी कहानी पसंद आई तो हम आपको एक गिफ्ट अवश्य देंगे। आपके एड्रेस पर गिफ्ट पहुंच जाएगा, आप बेफिक्र रहें। अगली कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा चैनल खो ना जाए। तब तक हम चलते हैं।